एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स अ न्यू डे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पुराने लैपटॉप फिक्सेशन वाले सीरीज़ पे जितने लोग ने भी वीडियो देखा है और जितना भी प्यार दिया है और कमेंट डाउन किया है, उनको रीच आउट किया है, थैंक यू, थैंक्स टू एवरी वन। तो आज वी हैव अनदर इशू। सो मेरे पास एक पुराना डेल का लैपटॉप था, इंस्पिरॉन 3000 सीरीज़, तो उस पर कुछ पावर सप्लाई का इशू हो रहा है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ ड्यू टू द बैटरी और द चार्जिंग अडाप्टर। सो उसको अभी फिक्स करना है और उसके लिए हम जा रहे हैं अगरतला। तो टाइम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रहा है लैपटॉप में। सो यहाँ पे मेरे पास मेरा पुराना डेल का लैपटॉप है और इस पर मेजरली इशू आ रहा है कि ये बेचारा पावर नहीं ले पा रहा है और ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो ये एज़ यू कैन सी इंस्पिरॉन 15 3000 सीरीज़ है, काफ़ी पुराना लैपटॉप है लेकिन, बट रिसेंटली इसका SSD और RAM अपग्रेड किया था। अभी प्रॉब्लम मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि ये जो पावर अडाप्टर है वो इस पर कनेक्ट नहीं होता है सही से। तो अगर आप क्लियरली देखो तो इधर एक हल्का सा गैप है जो आई डोंट थिंक उतना अच्छा दिख रहा होगा, बट ये हल्का सा गैप है और ये इस पर जाता नहीं है। सो तीन चीज़ें हो सकते हैं। एक, या तो इसके बैटरी में इशू है लैपटॉप के। दूसरा चीज़ एक हो सकता है कि इसका पावर अडाप्टर ही ख़राब हो गया। और तीसरा चीज़ है कि या तो इसके पिन में या फिर इसका जो ये चार्जिंग पोर्ट है इस पे दिक्कत है। तो आज ले जाएंगे इसको और देखते हैं इसका क्या सलूशन निकलता है। और एज़ मैंने कभी अगरतला का ब्लॉग नहीं बनाया तो थोड़ा बहुत वो भी शूट कर लेंगे। और दो जगह हैं, एक जगह पे जाते हैं जहाँ से मैंने अपना पुराना मतलब मेरा जो ROG है वो भी लिया था और ये वाला लैपटॉप भी वहीं से लिया था। तो वहाँ पे जाएंगे या फिर तो डेल के शोरूम में जाएंगे, देखते हैं जिधर भी सॉल्यूशन मिल जाए इसका। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, देखते रहो आगे तक। सो बेसिकली ऐसा कुछ दिखता है तेलिया मुड़ा, पता नहीं कितना साउंड आ रहा होगा, कितना नॉइज़ आ रहा होगा। अगर नॉइज़ आता है तो आई प्रोबेबली डू अ वॉइस ओवर यहाँ पे। तो मेरे को अभी के लिए वहाँ आगे जाना है, तो वहाँ आगे जा करके गेट अ कार और समथिंग और उसके बाद सीधा जाएंगे अगरतला। प्रोबेबली दिस वीडियो इज ऑल्सो गोना हेल्प यू, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली वी आर इन अगरतला और मैं आज भी माइक लाना भूल गया। तो अभी मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट था कि मुझे अपना लैपटॉप सही करना है। सो फॉर दैट वी आर डायरेक्टली गोइंग टू PC कंप्यूटर्स। इंडिया में ये एक चीज़ है जो बिजनेसेस को एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, अनलेस आपका ब्रांड ऑलरेडी ग्लोबली या फिर थ्रू आउट द कंट्री बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है। यू हैव टू फोकस ऑन so many stuff, you have to basically educate the people and invest a lot of money. It's not only about investing ki aap kitna zyada paisa dal rahe ho market mein, it's also about ki aap logo ko apne brand ke bare mein educate karo ki aapke brand mein kya chal raha hai aur aap log jo bhi kar rahe ho you actually know bits and parts about your own brand. नहीं तो क्या होता है कि अगर ब्रांड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो फिर कभी कभार फॉर ट्रस्ट रीजंस पीपल डू गो टू देयर ओन लोकल सर्विस स्टेशन और लोकल शॉप्स जहाँ से वो लोग बहुत टाइम से एक उनका एक
पर्सनल रिलेशन क्रिएट हो जाता है विदाउट गोइंग टू द एक्चुअल सर्विस सेंटर, जो इस केस में है, क्योंकि ये मैं डेल का लैपटॉप लाया हूँ। मोस्ट लाइकली अगर ये कोई एप्पल का मैकबुक या फिर कुछ, देन आई वुड हैव बीन डायरेक्टली गोइंग टू एप्पल का शोरूम। सो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलते, देखते हैं कि इसका क्या इश्यू है और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। सो ये है पीसी कंप्यूटर्स का साइन बोर्ड, यहाँ से आप अगर राइट लेते हो तो ये रोड है और ये इनका स्टोर है। तो ये यहाँ पे ये अपना लैपटॉप चेक कर रहे थे कि क्या दिक्कत है, पहले तो चार्जर नहीं मिल रहा था। ये एसी पावर अडैप्टर व्हाट इज एंड टाइप कैनॉट बी, ये पहला वार्निंग था कि क्या इशू है, और ये सेकंड एरर था जो शो हो रहा था। बेसिकली लैपटॉप पूरा ही रन आउट हो गया था पावर से, तो पहले तो चार्ज नहीं हो पा रहा था। ये वाला अपना बैटरी था जो पूरा ड्रेन्ड हो चुका था। अभी यहाँ पे हम लोग ने दूसरा एक बैटरी लिया था जिसपे 12% के आसपास चार्ज था, और ये भी ड्रेन हो रहा था, 11% हो चुका था। इवेंचुअली इट रैन टिल 8%, और ये फाइनल अपना एरर जो आ रहा था। तो ये तो क्लियर हो चुका था कि इशू हार्डवेयर में है और सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू नहीं है। तो उधर उतना माथापच्ची करने के बाद जब फिक्स नहीं हुआ, अभी हम लोग आए हैं डेल के शोरूम पे इधर, तो आए हैं अभी, देखते हैं अंदर जाके होता है कि नहीं। यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा था और सबमिट भी करना पड़ता अपने को। सो बेसिकली अपना जो लास्ट पार्ट था, उसके बाद आज ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं और मैं बीच का रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बीच में बहुत कुछ हुआ था, एंड आई वांटेड टू गिव यू सम ऑथेंटिक फीडबैक। तो वो लैपटॉप उस टाइम पे ठीक नहीं हुआ था और अपने को बहुत जल्दी एक अच्छा लैपटॉप चाहिए था। हमारा सीन ऐसा था कि हमको एडोबी का नया सब्सक्रिप्शन लेकर उसमें एडिट करवाना है, तो बेसिकली फॉर दैट हमने लिनोवो का एक थिंग बुक लिया था। तो उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो क्योंकि मेरे फादर इस पर काम कर रहे हैं इतने दिनों से, सो ही विल बी गिविंग यू एन इनसाइट कि कैसा चल रहा है उसमें। और हमारा जो पुराना वाला लैपटॉप था वो भी सही हो चुका है, और उसमें एक्चुअली में क्या दिक्कत थी और कितना पैसा लगा है वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि हमने पुराना वाला लैपटॉप डेल के शोरूम में नहीं दिया था क्योंकि वहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा वो लोग पोर्ट करते थे, और एंड मतलब मैंने तो पहले भी बोला था कि देयर इज़ अ ट्रस्ट फैक्टर। तो हमने करवाया था पीसी कंप्यूटर से ही, और उसका अप्रॉक्सीमेटली कुछ एक अमाउंट आया था उसको ठीक करवाने का, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये वाला लैपटॉप आप देख सकते हैं, ये है लेनोवो के i5 मॉडल के एक लैपटॉप जो कि 1 TB और 16 GB रैम के लैपटॉप है, बढ़िया चल रहा है और बहुत सुंदर इसका डिज़ाइन है, काफ़ी लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, काम करने में बहुत आसानी है। तो क्योंकि इसको हमें तुरंत लेना पड़ा इसलिए फिर मेरे पहले वाला जो लैपटॉप था वो ख़राब हो रखा था और उतनी काम हम कर नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से हमको ये लैपटॉप लेना पड़ा। और ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था तब वो लगभग 60,000 के आसपास इसका तब प्राइस था, और ऑफर में हमें वो अराउंड 55,000 में ये लैपटॉप अवेलेबल हो गया था। तो हमने इसको लिया है, अभी काम कर रहे हैं इसमें, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि फोटोग्राफी के काम है हमारा, तो फोटोशॉप यूज़ करते हैं, फोटोशॉप 2.0.2 को यूज़ कर रहे हैं इसमें अभी, और इसके सब्सक्रिप्शन हमने ले लिया है। तो नॉर्मल जो सब्सक्रिप्शन इसमें आते हैं 1675 रुपये का महीना, उसमें बहुत से मतलब स्टोरेज आपको मिलते हैं, उस स्टोरेज में आप अपना काम स्टोर कर सकते हो, तो 100 GB कुछ ऐसा। लेकिन इसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो 798 लगभग 800 रुपीज़, और उसमें 20 GB आपको मिलता है स्टोरेज के। तो क्लाउड स्टोरेज जो है उसमें तो हम कुछ सेव नहीं करते हैं, हर डिस्क में सेव करते हैं और एक्सटर्नल में सेव करते हैं, तो इसमें काम चल रहा है अभी, बढ़िया चल रहा है। पुराना वाला लैपटॉप जो था वो डेल का था और वो i5 का ही था, बढ़िया था, बहुत फास्ट चल रहा था, उसमें भी हमने कुछ अपग्रेड किया था, रैम 8 GB का अवेलेबल था, तो हमने इसको 16 GB किया था भेजा। इसकी हार्ड डिस्क जो था वो HDD था पहले, तो इसको हमने चेंज करके SSD में कन्वर्ट करा दिया, SSD जो है वो चेंज कर दिया इसमें, तो वो बहुत फास्ट हो गया था, बढ़िया चल रहा था मशीन।
तो उसमें एक भी प्रॉब्लम आया था कि ये चार्ज नहीं हो पा रहा था, ये चार्जर की पिन जो है वो पिन इसमें जा नहीं रहा था, कुछ नहीं रहा था, तो जैसे आप पिन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो चार्ज नहीं होगा। तो इस वजह से हमने इसको लेके गया सर्विस सेंटर, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बताया कि काफ़ी दिन लगेगा, कम से कम 15-20 दिन लगेगा और पता नहीं कितना खर्चा आएगा, जितना आएगा खर्चा वो बताएगा बाद। तो मेनली जो है पावर एडप्टर जो है वो ठीक था, लेकिन इसमें कुछ मतलब स्लॉट जो है पावर का वो ख़राब हो रखा था, वो टूट चुका था अंदर से, तो इसको भी हमने रिपेयर कराया और अच्छा चल रहा है बिजनेस। कितना कॉस्टिंग आया उसका? और इसमें लगभग इन्होंने पहले बताया नहीं था, बोला कि हम भेज देंगे यहाँ से सर्विस सेंटर, वहाँ से पता चलेगा कितना लगेगा। तो अराउंड 3,000 रुपये जो है इसका कॉस्ट आया। तो ये एंड में मैं सिर्फ एक व्यू रख रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर पाया तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।